क्या नाम है आपका? अच्छा, पढ़े भी हो आप? नहीं, फेसबुक यूज करें कभी? नहीं करें, नहीं करें। पता है कितने मशहूर हो गए आप? नहीं, अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारी सारी तस्वीरें दिखाती हूँ। चलो शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अच्छा, पढ़े भी हो आप? नहीं, फेसबुक यूज करें कभी? नहीं करें, नहीं करें। पता है कितने मशहूर हो गए आप? नहीं, अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारी सारी तस्वीरें दिखाती हूँ। चलो शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अच्छा, पढ़े भी हो आप? नहीं, फेसबुक यूज करें कभी? नहीं करें, नहीं करें। पता है कितने मशहूर हो गए आप? नहीं, अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारी सारी तस्वीरें दिखाती हूँ। फिलहाल तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ कशीदगी है, वरना हो सकता है कि उसको कोई ऑफर आ ही जाती है। और आप एक देख भी सकते हैं कि यहाँ पर भी जो लोग हैं वो भी इसके खासे दीवाने हैं, इसके हुस्न के मद्दा हैं, इसकी नीली नीली आंखें हैं और इसकी भूरी भूरी मूछें हैं। तो बड़ा ही पुरकशिश नौजवान इसको गर्दाना जा रहा है। फवाद खान को मेरा ख्याल है थोड़ी इनसिक्योरिटी हो रही होगी, कॉम्पिटिशन आ गया मतलब मार्केट में। ये चाय वाला सिर्फ चाय अच्छी नहीं बनाता बल्कि इसकी लुक्स भी बहुत ही अच्छी है। और जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान और भारत के हालात कशीदे हैं, वरना कोई ना कोई ऑफर जरूर आ जाती। अब देखना यह है कि जिस तरह से इंडियन जो भारतीय नारियां हैं वो प्रेशराइज कर रही हैं, सोशल मीडिया पर बात कर रही हैं, तो क्या पता ऐसे कोई ऑफर आ जाए। आयशा मौजूद है हमारी नुमाइंदा इस चाय वाले के साथ। समीना, आयशा जैसे इसकी आंखें हैं और जिस तरह से इसकी एक शख्सियत है खूबसूरत सी, क्या चाय भी इतनी अच्छी बनाता है? कोई बातचीत हुई है आपकी इसके साथ? सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाले चाय, जिनकी आंखें नीली हैं और बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं और जिनको बहुत से लोगों से जो है वो मुशाबत भी उनकी बताई जा रही है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ वही चाय वाले नीली आंखों वाले मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनका हम नाम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? अर्शद खान। अर्शद खान साहब, अर्शद खान साहब, आपको पता है कि आप सोशल मीडिया पे कितने मशहूर हो चुके हैं एक तस्वीर की वजह से? जी बिल्कुल पता है, सुबह से इतनी खुशी हो रही है, अरे आता है तस्वीर दिखाता है, सुबह से जान नहीं छूट रहा है कभी एक ही सेट से आता है किस सेट से आता है। तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बुरा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा तो मुझे बताइएगा, ये काफी अर्शद साहब जो है वो नाराज हो रहे हैं कि मेरा इस वक्त चाय का टाइम है, कमाने का टाइम है और यहाँ पे सारे जो है मुझे तंग कर रहे हैं, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, ऐसे अभी कमा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं तो इधर रश, कोई काम करेंगे तो रात को कुछ लेके जाएंगे, इसी तरह भी पीरेंगे क्या करेंगे, फायदा ही नहीं है। जी बिल्कुल, तमाम पूरी दुनिया में चाय वाला जो है अर्शद मशहूर हो चुका है अपनी आंखों की वजह से और अपनी खूबसूरती की वजह से, लेकिन अभी अर्शद को जो फिक्र है वो अपने कमाने की है, ताकि वो कुछ कमाए और ताकि रात को कुछ खाने के लिए लेकर जाए। जी बहुत शुक्रिया आयशा खान, और हमें अपडेट कर रही थी कि जो चाय वाला है ये बड़ा ही अब मशहूर हो गया है और बड़ा खुश भी है, लेकिन साथ साथ थोड़ा परेशान भी है कि उसकी रोजी रोटी अब मुतासर हो रही है, लेकिन हो सकता है कि इसके लिए मजीद असबाब बन जाएं और कोई बेहतर रिस्क की फरावानी का सिलसिला खुल जाए उसके लिए, क्योंकि उसका पुरकशिश होना ही उसके लिए हो सकता है कि किस्मत के दरवाजे खोल दे।
एक अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जिस पर पाकिस्तानी चाय वाले की धूम है। नीली आंखों वाला पाकिस्तानी, भारतीय लड़कियां भी उसकी दीवानी हो गई हैं। इस्लामाबाद का पुरकशिश नौजवान बॉलीवुड फनकारों से भी पुरकश करार दिया गया है। पाकिस्तानी चाय वाले नौजवान ने भारतीय चाय वाले नरेंद्र मोदी को मात दे दी है। ये तस्वीर भी आप इस नौजवान की देख सकते हैं जो कि आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हुई हुई है, गर्दिश कर रही है और सभी लड़कियां इसकी दीवानी हैं। क्या पाकिस्तान में, क्या पड़ोसी मुल्क भारत में और दोनों ममालिक में वैसे ही कंपेरिजन चलता रहता है? हमारे सुपरस्टार वैसे ही जाकर धूम मचाते रहते हैं और हमारी नुमाइंदा आयशा खान एक अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जिस पर पाकिस्तानी चाय वाले की धूम है। नीली आंखों वाला पाकिस्तानी, भारतीय लड़कियां भी उसकी दीवानी हो गई हैं। इस्लामाबाद का पुरकशिश नौजवान बॉलीवुड फनकारों से भी पुरकश करार दिया गया है। पाकिस्तानी चाय वाले नौजवान ने भारतीय चाय वाले नरेंद्र मोदी को मात दे दी है। यह तस्वीर भी आप इस नौजवान की देख सकते हैं जो कि आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हुई हुई है, गर्दिश कर रही है और सभी लड़कियां इसकी दीवानी हैं। क्या पाकिस्तान में, क्या पड़ोसी मुल्क भारत में और दोनों ममालिक में वैसे ही कंपेरिजन चलता रहता है? हमारे सुपरस्टार वैसे ही जाकर धूम मचाते रहते हैं और हमारी नुमाइंदा आयशा, क्या नाम है आपका? अच्छा, पढ़े भी हो आप? नहीं, फेसबुक यूज करे कभी? नहीं सर। पता है कितने मशहूर हो गए आप? नहीं, अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारी सारी तस्वीरें दिखाती हूँ। चलो शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अच्छा, पढ़े भी हो आप? नहीं, फेसबुक यूज करे कभी? नहीं सर। पता है कितने मशहूर हो गए आप? नहीं, अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारी सारी तस्वीरें दिखाती हूँ। चलो शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अच्छा, पढ़े भी हो आप? नहीं, फेसबुक यूज करे कभी? नहीं सर। पता है कितने मशहूर हो गए आप? नहीं, अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारी सारी तस्वीरें दिखाती हूँ। चलिए, फिलहाल तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ कशीदगी है वरना
हो सकता है कि उसको कोई ऑफर आ ही जाती है। और आप एक देख भी सकते हैं कि यहाँ पर भी जो लोग हैं वो भी इसके खासे दीवाने, इसके हुस्न के मद्दा हैं, इसकी नीली नीली आंखें हैं और इसकी भूरी भूरी मूछें हैं। तो बड़ा ही पुरकशिश नौजवान इसको गर्दाना जा रहा है। फवाद खान को मेरा ख्याल है थोड़ी इनसिक्योरिटी हो रही होगी, कॉम्पिटिशन आ गया उनका मार्केट में। ये चाय वाला सिर्फ चाय अच्छी नहीं बनाता बल्कि इसकी लुक्स भी बहुत ही अच्छी है। और जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान और भारत के हालात कशीदे हैं, वरना कोई ना कोई ऑफर जरूर आ जाती। अब देखना यह है कि जिस तरह से इंडियन जो भारतीय नारियां हैं वो प्रेशराइज कर रही हैं, सोशल मीडिया पर बात कर रही हैं, तो क्या पता ऐसे कोई ऑफर आ जाए। आयशा मौजूद है हमारी नुमाइंदा इस चाय वाले के साथ। समीना, आयशा जैसे इसकी आंखें हैं और जिस तरह से इसकी एक...
शख्सियत है, खूबसूरत सी, क्या चाय भी इतनी अच्छी बनाता है? कोई बातचीत हुई है आपकी इसके साथ? सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाले चाय जिनकी आंखें नीली है और बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं और जिनको बहुत से लोगों से जो है वो मुशावत भी उनकी बताई जा रही है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ वही चाय वाले नीली आंख वाले मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनका हम नाम पूछेंगे, क्या नाम है आपका? अर्शद खान। अर्शद खान साहब, अर्शद खान साहब, आपको पता है कि आप सोशल मीडिया पे कितने मशहूर हो चुके हैं एक तस्वीर की वजह से? जी बिल्कुल पता है, सुबह से इतनी खुशी हो रही है, हर एक आता है तस्वीर दिखाता है, सुबह से जान नहीं छूट रहा है कभी एक ही सेट से आता है किस सेट से आता है। तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बुरा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा तो मुझे बताइएगा, ये काफी अर्शद साहब जो है वो नाराज हो रहे हैं कि मेरा इस वक्त चाय का टाइम है, कमाने का टाइम है और यहाँ पे सारे जो है मुझे तंग कर रहे हैं, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, ऐसे अभी कमा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं तो इधर रश, कोई काम करेंगे तो रात को कुछ लेके जाएंगे, इसी तरह भी फिरेंगे, क्या करेंगे, फायदा ही नहीं है। जी बिल्कुल, तमाम पूरी दुनिया में चाय वाला जो है अर्शद मशहूर हो चुका है अपनी आंखों की वजह से और अपनी खूबसूरती की वजह से, लेकिन अभी अर्शद को जो फिक्र है वो अपने कमाने की है, ताकि वो कुछ कमाए और ताकि रात को कुछ खाने के लिए लेकर जाए। जी बहुत शुक्रिया आयशा खान, और हमें अपडेट कर रही थी कि जो चाय वाला है ये बड़ा ही अब मशहूर हो गया है और बड़ा खुश भी है, लेकिन साथ साथ थोड़ा परेशान भी है कि उसकी रोजी रोटी अब मुतासर हो रही है, लेकिन हो सकता है कि इसके लिए मजीद असबाब बन जाएं और कोई बेहतर रिस्क की फरावानी का सिलसिला खुल जाए उसके लिए, क्योंकि उसका पुरकशिश होना ही उसके लिए हो सकता है कि किस्मत के दरवाजे खोल दे।